फिल्में इतनी ज्यादा पसंद भी नहीं थी मैं इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत अच्छी राय नहीं रखता था बट uh, अचानक से एक दिन ये महसूस हुआ और फिर जस्ट डिसाइडेड टू फ़ॉलो इट एंड सिंस देन बस इतनी कोशिश जरूर की कि जो भी करूँगा अपने पूरी इंटेग्रिटी के साथ करूंगा uh, जितना आता है जितनी समझ है सब कुछ लगाऊंगा और कोशिश वही आज भी तो पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ अलग होता है ठीक yeah. है तो आपके साथ कैसा था मुझे एक्चुअली मुझे सीखने को मिला ये ये समझ आई कि यार पेरेंट्स क्यों करते हैं ये दे फील लाइक दिस बिकॉज दे फील कि यू आर इन अ वेरी इनसिक्योर फील्ड कोई गारंटी तो है नहीं आपके काम की आपके करियर की तो उन्हें इस बात की घबराहट होती है कि कल तो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी सही तरीके से तय कर पाएगा कि नहीं लेकिन ये भरोसा देने का काम आपका है ये उनका काम नहीं कि उन्हें भरोसा आ जाए अपने आप तो इफ़ यू कीप डूइंग वेल इफ़ यू स्टार्ट ग्रोइंग दे विल सी इट एंड दे विल सपोर्ट यू सो अब समझ में आता है कि उनका जो जो उनके मन में प्रॉब्लम थी जो तकलीफें उनको थी इस बात से वो जेन्यन थी दे आर वेरी नॉर्मल फॉर पेरेंट्स टू हैव दैट बट ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उनको कंफर्ट दे पाऊँ सिक्योरिटी दे पाऊँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ और करूँगा और अच्छा कर रहा हूँ सो वंस दैट हैपन देल्सो सेटल्ड उन्हें भी अच्छा लगने लगा नाउ देते टॉक वेरी प्राउडली कह रहे मेरा बेटा एक्टर है है ना तो तो मेरा, <laughs> हा, हा, मेरा बेटा <laughs>